मेरा नाम मुकेश कुमार है, मेरी पत्नी राजकुमारी जिन्होंने भुवनेश्वर दीपक सर ने मेरी पत्नी की जान बचाई है, 95% सेप्ट फेंक चुकी थी, जिन्होंने बड़ा ऑपरेशन करके पेट फाड़ के आंतें निकाल के बाहर सफाई की, उसके बाद इनकी सफाई करके अंदर धर के टांगी लगाई। और दीपक बंसल और भुवनेश्वर से हम बहुत खुश हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह इलाज किया, मेरी पत्नी की जान बचाई है इन्होंने, और बहुत अच्छा इलाज करते हैं और बढ़िया डॉक्टर साहब भी हैं। एक महीने से कम भर्ती हुए हुए और 2.5-3 किलो फ्रूट इनके पेट से निकला, अब ये बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इलाज भी अच्छी तरह से करते हैं जी, हम इलाज से बहुत खुश हैं। मेरा नाम राजकुमारी है, मेरे पेट में दर्द होता है, मेरी बहुत तकलीफ मैंने झेली थी, मेरी उन्हें जान बचाई भुवनेश्वर ने, दीपक सिंह ने। बिल्स हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, इसमें स्टाफ नर्स सफाई बहुत अच्छी तरह रहती है, और इसका स्टाफ पूरा डॉक्टर साहब सब बढ़िया है और बढ़िया इलाज चलता है इसमें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक बंसल है, ये पेशेंट राजकुमारी जी हैं, ये 3 महीने पहले हमारे पास आई थी, उस समय इनकी हालत बहुत ख़राब थी, इनका पेट पूरा फूला हुआ था, बीपी वगैरह नहीं आ रहा था, सांस की बहुत दिक्कत थी, और इनके पेट में 3 नलियाँ पड़ी हुई थी जिसमें से पित्त आ रहा था। इनका पहले पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद नली में गलाब के कारण इसमें से पित्त आना शुरू हो गया, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस थी, तो इनको थोड़ा सा स्टेबल करने के बाद में इनकी तुरंत ERCP की गई और उसके पित्त की नली में 2 स्टैंड डाले गए, जिससे कि पित्त का भाव पेट की बजाय आंतों में आना शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट की हालत सीरियस थी और पेशेंट के पेट में बहुत दर्द था और हवा पास नहीं हो रही थी, पेट फूला हुआ था, तो उसके लिए हमने अर्जेंट हमारे गेस्ट्रो सर्जन डॉक्टर भुवनेश शर्मा जी को बुलाया, और इसके आगे की कहानी हम डॉक्टर भुवनेश शर्मा बताएंगे कैसा पेशेंट का कोर्स था। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भुवनेश शर्मा है, मैं गेस्ट्रो सर्जन हूँ। जैसा सर ने आपको बताया कि मरीज के पित्त की नली में गलाव की वजह से पित्त लीक हो रहा था, ERCP के पश्चात पित्त लीक होना मरीज का बंद हो गया था, पर मरीज के पेट में ऑलरेडी जो पित्त इकट्ठा था उसके वजह से वो पित्त ने पस का रूप ले लिया था और पेट के हर कोने में पस इकट्ठी हो गई थी, तो उस पस को हम लोगों ने सर्जरी के थ्रू ऑपरेट करके अच्छे से साफ किया, ड्रेन किया, उसके बाद में हमने एक प्रॉपर ड्रेन डाला। ऑपरेशन के बाद मरीज वेंटिलेटर पर भी रही, हमने दिन रात मेहनत करके मरीज को धीरे धीरे हमने इम्प्रूव किया, और आज देख रहे हैं आप 3 महीने बाद में मरीज अच्छी हालत में आपके सामने है। डॉक्टर दीपक वंश और डॉक्टर भुवनेश शर्मा के संयुक्त प्रयास से आज पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, उसके पेट के सारे नलियां निकल चुकी हैं, उनका खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह से है, पेट में किसी तरीके का दर्द नहीं है, बुखार नहीं है, सारे टाँके कट चुके हैं और पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। तो संयुक्त प्रयास से गैस्ट्रो फिजिशियन एंड गैस्ट्रो सर्जन से आज एक पेशेंट की ज़िंदगी बचाई गई विम्स हॉस्पिटल में। हमारा आगे भी यही प्रयास है, हम संयुक्त रूप से उत्कृष्ट चिकित्सक सेवाएं इस टाइप के पेशेंट को गैस्ट्रो की आगरा शहर में देंगे।